सी रोई जा रही है और ये बहुत रो रही है। क्यों रो रही है, काहे रो रही है? आपका बॉडी का क्या होगा? बॉडी का बॉडी बन जाए ऐसा नहीं, अब पेटू भी तो निकलते जा रहा है। बना कर दिए, फिर भी दो तीन बार बोल रहे हैं नहीं बना कर देंगे। अब क्या बना ही है, बहुत बार बना कर दिए। देखिए तो गुस्सा के भागे। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी सुबह हो चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं अभी रांची। आप लोग हम रांची आए वो दिखा नहीं पाए, तो हम लोग रांची आ चुके हैं, एक दो दिन पहले ही आ गए हैं। तो आज का ब्लॉग हम अपने छत से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी सुबह हो चुके हैं, सुबह के लगभग 8 बज रहा है। तो आप लोग को हमारे तरफ से सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और अभी देखिए कल का हमारा सारा कपड़ा छत पे ही डला हुआ है, उसको हम लोग धो के कपड़ा जब छत पे डाले, याद नहीं रहा कि हम लोग कपड़ा छत पे डाले हैं और सारा कपड़ा हमारा छत पे ही रह गया। दोस्तों आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए और हम अब कंटिन्यू आपको दिखाएंगे अपना डेली जो रूटीन होता है और डेली लाइफ ब्लॉग जो हम लोग करते हैं वो सारा आपको दिखाएंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अभी दोस्तों ये सारे कपड़ा जो है वो उठाते हैं और लेके चलते हैं नीचे। और उसके बाद हम लोग जब आए हैं, मतलब पानी जो पीने वाला पानी होता है वो ख़त्म है, तो हम लोग वो अभी पानी लाने जाएंगे, उसके बाद फिर नाश्ता बनेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी जाना मार्केट भी है शायद, वो कुछ सामान घट गया था वो लेने के लिए। तो आपको ब्लॉग में सारा कुछ दिखाएंगे, आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। कपड़ा इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि अभी थोड़ा रात को रहा है तो थोड़ा गीला गीला लग रहा है, तो थोड़ा धूप लग जाएगा, उसके बाद सारा कपड़ा को उठाएंगे। तो अभी जो कपड़ा पहनने वाला है, मतलब एक दो कपड़ा लेके जाएंगे नीचे, उसके बाद थोड़ा एक आध दो घंटा जब धूप लग जाएगा उसके बाद ही कपड़ा को उठाएंगे सारा कपड़ा। तो अभी चलते हैं नीचे और फिर जाते हैं पानी लाने और उसके बाद आपको दिखाते हैं हम लोग पानी कहाँ से लाते हैं और फिर आपको दिखाएंगे आज का ब्लॉग। और आज से हम आपको डेली ब्लॉग दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। अभी घर गए थे तो घर का आपका सारा ब्लॉग दिखाया, यहाँ आने के बाद हमको टाइम नहीं मिला इसलिए ब्लॉग हम नहीं शूट कर पाए। आज से सोचेंगे डेली ब्लॉग शूट करें और आप लोग को दिखाया जाए। दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं जहाँ से हम लोग पानी लेते हैं, ये देखिए पीछे मिनरा, ये है फैक्ट्री, यहाँ से पानी लेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे अपना जार यहाँ पर लेके आए साथ में, चलते हैं अंदर पानी लेने और देखते हैं। पहले हम कहीं और से पानी लेते थे, आज यहाँ से लेने हैं ज़्यादा, देखते हैं कितना में दे रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग पानी ले आ चुके हैं और अभी रूम में लाइट ही नहीं है इसलिए अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब लाइट नहीं रहती, इस रूम में तो लाइट आती है लेकिन किचन में अंधेरा रहता है। तो दोस्तों अभी हमारा नाश्ता बन चुका है और ये आपको नाश्ता दिखाते हैं। ये देखिए नाश्ता, ये है रोटी, फूलगोभी का भुजिया और तड़का बना है। तड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को कितना अच्छा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है, हम नाश्ता करते हैं और हम लोग को अभी मार्केट जाना था लेकिन मार्केट जाना कैंसिल हो गया, अब कल जाएंगे। कुछ सामान लेना था वो अभी नहीं लेंगे, वो कल खरीदेंगे, तो वो कल आपको दिखाएंगे कि मार्केट से हमें क्या लेना है। अभी फिलहाल हम लोग जा ही रहे थे लेकिन कुछ रीजन हो गया तो हम लोग फिर वो पोस्टपोन कर दिए, हम लोग नहीं गए मार्केट। और अभी बस अभी टाइम लगभग 11 बज चुका है, तो 11 बजे नाश्ता करेंगे और अभी 2 घंटा टाइम है ड्यूटी जाने में, तो उसके बीच में देखते हैं क्या करते हैं और उसके बाद फिर ड्यूटी जाएंगे। तो अभी आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए, अभी ब्लॉग एंड नहीं हो रहा है और अभी और कुछ दिखाएंगे आपको। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं फिलहाल और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। नहा धोवा के रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं अपना काम पे ड्यूटी, और रोज की तरह आज भी 1 बजे से 9:30 बजे तक अपना काम रहेगा। 9:30 बजे के बाद फिर वहाँ से निकलेंगे, फिर अपना ब्लॉग शूट करेंगे और घर आएंगे। तो अभी यहाँ से निकल चुके हैं और हमारा देखिए सारा बैग रेडी हो चुका है और पीछे देखिए बैठ के क्या कर रही है, बस खाना पीना खा के भी बैठी हुई है। और हम नहा धोवा के रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं ड्यूटी और आपको मिलते हैं अपने ड्यूटी के बाद, यानी रात को 9:30 बजे के बाद। तो अभी रात के 9:30 बज रहे और अभी हम अपनी ड्यूटी से निकल के बाहर आए थे कुछ ऐसे टहलने, काम अपने ख़त्म हो चुका था, 5-10 मिनट टाइम बच रहा है तो उसमें से बाहर आके टहल लेते हैं। और ये देखिए अभी ये ईरबा का मार्केट है और यही आपको पीछे दिख रहा होगा, ये सारा यहाँ अभी बस आए थे बाहर थोड़ा टहलने के लिए और सोचे 5-10 मिनट के बाद हम 9:30 बज जाएगा तो मेरा टाइम ऑफिस का खत्म हो जाएगा, फिर निकल जाएंगे रूम पे। बस ऐसे निकले थे और सोचे आप लोगों को दिखा दूँ। और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं उसके पीछे आपको ये दिख रहा होगा जो बोर्ड, वो शायद अभी लाइट से दिख नहीं रहा है, मेदांता हॉस्पिटल से रहा अपना हॉस्पिटल HCG कैंसर हॉस्पिटल। और अभी रात के लगभग 9:30।
9:30 हो चुका है, अभी 9:30 हो चुका है और अब हमारा ड्यूटी हो चुका है ख़त्म, आज का ड्यूटी ख़त्म। और चलते हैं रूम पे और देखते हैं रूम का नज़ारा, ये रूम पे क्या हो रहा है। और यहाँ दिखाते हैं, अभी हमने सारा अपना सिस्टम वगैरह जो भी है हमने कर चुके हैं ऑफ, और ये देखिए हमारा सारा सिस्टम ऑफ हो चुका है और आज का लगभग काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी निकलेंगे यहाँ से रूम पे और रूम का नज़ारा आपको दिखाएंगे, रूम पे क्या हो रहा है। और अभी बस पंच करने वाले, बस जाएंगे पंच करेंगे और हमारा ड्यूटी और ख़त्म फिर कल 1 बजे से। ये रहा हमारा पंच मशीन और देखिए पंच हो, और जब तक चश्मा नहीं हटाएंगे पंच नहीं होगा। तो दोस्तों फाइनली रूम पे पहुंच चुके हैं और अभी फ्रेश व्रेश हो चुके हैं रूम पे आके, और अभी खाना बना नहीं है, देखिए बनने की तैयारी चल रहा है। इधर देखिए अभी कट रहा है प्याज और अभी खाना बनने की तैयारी चल रहा है। तो आपको ये बोलेंगे कुछ, बोलिए। हेलो फ्रेंड। तो अभी खाना बनने का तैयारी चल रहा है और आज दिन में बहुत बारिश हुई थी, तो देखिए कैसे कपड़ा सारा कैसे रखा हुआ है, और ये जल्दी जल्दी में सारा कपड़ा उठा के लाई है और कपड़ा बस ऐसे ही रखा हुआ है। और अभी इसको मतलब फोल्ड करके रखे नहीं है, तो अब इसको पहले फोल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी खाना में क्या बनने वाला है, तो आप बताइए क्या बनेगा खाना में। आप क्या बोल रहे थे, हमको खाने का मन है। हमको तो दोस्तों पास्ता खाने का मन है, तो पता नहीं पास्ता बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो इनकी इनकी चलती है, तो ये बताएंगे पास्ता बन रहा है कि नहीं बन रहा। पास्ता के साथ रोटी खाना पड़ेगा, ये कंडीशन है, अगर पास्ता बनेगा तो पास्ता के साथ खाना पड़ेगा रोटी। तो पास्ता के साथ रोटी कौन खाता है भाई, आप लोग कमेंट में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पास्ता के साथ रोटी कौन खाता है, आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं। बट हमें तो पास्ता के साथ रोटी खाना पड़ेगा क्योंकि पास्ता से पेट नहीं भरता, तो रोटी भी खाएंगे तब पेट भरेगा। हाँ तड़का भी है, सुबह तड़का बना था जो आपको मॉर्निंग में दिखाएगी रास्ता में, तो तड़का थोड़ा बच गया है, तो उसको भी तड़का को और थोड़ा गर्म कर लेंगे, और तड़का भी बचा है, पास्ता भी है बनेगा, रोटी भी है, तो अच्छा है, पास्ता के साथ रोटी है तड़का भी खा लेंगे। तो दोस्तों अभी फिलहाल उधर पास्ता बनेगा, तब तक इसको कर लेते हैं फोल्ड कपड़ा को। कपड़ा घड़ी करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तुम्हें ड्यूटी से काम करके फिर यहाँ भी काम करवाऊंगी मैं आपसे, बहुत सारा काम करवाऊंगी। बेटे आपका बॉडी का क्या होगा? बॉडी का बॉडी पंच है। ऐसा नहीं है, पेटू भी तो निकलते जा रहा है गणेश जी जैसा। जिम जाएंगे, जिम जाएंगे, लेकिन कपड़ा घड़ी नहीं कर सकते। जिम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अभी हम जिम में बात करके आए हैं, तो जिम जाएंगे। आप चाहे तो सुबह उठकर घूमने भी जा सकते हैं, दौड़ने भी जा सकते हैं। अब जिम में जाकर कितना देर आप मेहनत करेंगे, उतना देर दौड़िए। 2 घंटा, 1.5 घंटा। सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य कैसे नमस्कार करेंगे? सूर्य नमस्कार योगा होता है। रोटी और यहाँ बन गया है पास्ता, और पास्ता देखते हैं कैसा लगता है पास्ता खाने में, क्योंकि जब भी पास्ता बनाते थे हम बनाते थे, आज पहली नहीं दूसरी बार पास्ता बनाई है। ऐसा थोड़ी है, कितना बार बना कर दिए आपको? कई बार बनाई है, हर कितना बार बनाए हैं? नहीं पास्ता तुम बोलते कि आपका हाथ से अच्छा लगता है इसलिए हम हर बार पास्ता हाथ से भले अच्छा लगता है लेकिन बनवाते तो आप हमसे ही। नहीं ये कभी बना देते हैं तो चलिए, ये प्याज वगैरह मतलब जो भी मसाला वगैरह है वो काट देती है, पास्ता बनाते हम हैं, और 2-3 बार बनाई है पास्ता। तो 3 बार ही बनाए, कितना बार बना कर दिए, फिर भी 2-3 बार बोल रहे हैं नहीं बना कर देंगे। अब क्या बनाई है? बहुत बार बना कर दिए। देखिए तो गुस्सा के भाग के ये बोल रहे कि इतने बार दोस्त नहीं यार, ये मजाक कर रहे थे, वही पास्ता बनाती है और आज भी देखते हैं कैसा टेस्ट लग रहा है, हर बार वही पास्ता बनाती है, अभी मजाक कर रहे थे उसको चिढ़ाने के लिए, और देखिए कैसे गुस्सा होकर भाग गई है।
तो अभी देखते हैं खाने के बाद, देखते हैं कि पास्ता का टेस्ट कैसा लग रहा है। और ये रहा तड़का जो सुबह बच गया था, तो इसको थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही तड़का बचा है। आ जाओ दोस्तों, गुस्सा हो गया है, हम जब बोल दिया है कि पास्ता हम बनाते थे, गुस्सा हो गई, आ नहीं रही। आ जाओ आ जाओ, पानी निकाल रही है दोस्तों। अभी रात का टाइम, रात का बज रहा है लगभग 10:30 हो चुका है शायद, तो अभी 10:30 बज रहे हैं और अभी खाना खाएंगे, उसके बाद खाने के बाद फिर सो जाएंगे, फिर कल सुबह उठेंगे। तो दोस्तों ये ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।